हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल 80 मिनट व्लॉगर्स। वेलकम बैक टू मेरे चैनल। एंड गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं मैहर। जी गाइस, मैहर जो है सतना में है। एंड अगर आप सबको ना पता हो तो मैं बता दूं मैहर में क्या है, ठीक है ना। तो भाई आप सब जानते हो, सती जी को जानते हो आप, जो कि शंकर जी की पहली पत्नी थी, दूसरी पार्वती जी थी। तो उनके जो 108 बॉडी पार्ट्स थे वो धरती में अलग अलग जगह पे गिर गए, जिनका नाम शक्तिपीठ होता है, ठीक है ना। शक्तिपीठ उनको कहा जाता है। तो जो मैहर है वहां पे उनका जो हार था, गहना था, वो गिर गया था। एंड वहां पे उनका हार गिर गया था, ठीक है ना। इसलिए मैहर पड़ा नाम, ठीक है ना। तो वहां पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके ऊपर हार गया था, इसलिए वहां पे एक मंदिर बना दी गई है माता जी की। एंड भाई वहीं पे मंदिर बनी है। एंड भाई हम उसी मंदिर को देखने जा रहे हैं। एंड वहां पे पहाड़ में जाने के लिए रोपवे से जाते हैं, तो उसके बहुत मजा आ जाने वाली है, ठीक है ना। तो व्लॉग को अंत तक जरूर से देखना। व्लॉग अच्छा कर देना लाइक एंड चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो भाई अभी तो शाम हो चुकी है, ठीक है ना। मैं आज नहीं जा रहा हूं, मैं कल सुबह 8 बजे निकलूंगा। एंड भाई ये 2 दिन की ट्रिप होने वाली है, एंड बीच में बहुत जगह जाने वाले हैं, तो मैं सब रास्ते में बताता रहूंगा, ठीक है ना। तो हम लोग कल सुबह निकलने वाले हैं, तो चलो भाई अभी तो सो जाते हैं, कल सुबह चलेंगे। सो गाइस, अभी हो चुके हैं सुबह। एंड भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 7, ठीक है ना। तो हमको पहुंचने में 5 घंटे लगने वाले हैं, जो कि भाई बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो अभी सुबह के 7 बजे हैं, डब्लू को जस्ट निकल ही रहे हैं, तो चलो भाई अब चलते हैं। एक घंटा हो चुका है, मुझे कार घूमते घूमते आप पीछे कार देख सकते हो, ठीक है ना। तो भाई अभी हम लोग थोड़ा रुके हुए हैं, ठीक है ना, थोड़ा रेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। अभी पूरा 1 घंटा चुका है, बहुत ज्यादा थक गए हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं, अभी थोड़ा रेस्ट करके फिर से चलते हैं। तो आप लोग थोड़ा पहले यहाँ का सीन देख लो भाई, क्या गजब है। थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ, रुकना। हाँ, अब देखो भाई क्या गजब, कितने सारे फूल ही फूल हैं यहाँ पे, पीले वाले सरसों के। हाँ देख सकते हो कितने सारे हैं, मस्त लग रहा है। तो ठीक है, देख लो। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि हम सुबह से कुछ भी खा के नहीं आए थे, तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं। एंड भाई कुछ ऑर्डर किया है, एंड थोड़ा सा भाई कुछ खा लेते हैं, एंड फिर आप लोग अपना चलते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ कृपया आप वाहन धीरे चलाएं, क्योंकि भाई शेर ही आ सकते हैं। देख सकते हो गाइस बाघ, ठीक है ना, बाघ के आने जाने का रास्ता है। तो गाइस भाई देख सकते हो कितनी डेंजर जगह है, देखो यहाँ सावधान भी लिखा हुआ है। तो भाई यहाँ पे आसपास बाघ हो सकते हैं, आपको देख सकते हो। अभी तक तो हमें कोई नहीं दिखाया, अगर दिखेगा तो दिखाऊंगा, वैसे दिखेगा नहीं शायद। 4 घंटे हो चुके हैं, ठीक है ना, 4 घंटे हो चुके हैं। 4 घंटे से मैं कार में था, एंड हम लोग यहाँ पे थोड़ा रुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे टाइगर आइगर है। तो चलो भाई अब थोड़ा मैं कुछ खा रहा हूँ, क्योंकि मैं सुबह कुछ भी खा के नहीं आया था, तो मैं कुछ खा रहा हूँ, एंड फिर अब लोग चल लेंगे। सो गाइस, पूरे 6 घंटे सफर करने के बाद आखिर हम लोग पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये पार्किंग एरिया है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग रोप वे से ऊपर जाने वाले उस पहाड़ में, तो चलिए आपको दिखाता हूँ पूरा। सो गाइस आप देख सकते हो, हम लोग देखो रोप वे से बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं। देखो भाई एक और रोप वे,
एंड भाई बिल्कुल मजा आ रही है, देख सकते हो भाई क्या नीचे पूरा सब कुछ दिख रहा है भाई, मजा आ रही है देखो आप। सो गाइज मैंने तो मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, बट मैं आपको मंदिर के अंदर नहीं दिखा सकता क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियो बनाना मना था, इसलिए भाई मैं आपको मंदिर के अंदर का सीन तो नहीं दिखा सकता, आप बस यहाँ बाहरी का सीन देख लो भाई, देखो कितना मस्त है, आप लोग भाई देख लो। तो भाई अभी हम लोग यहाँ टिकट के लिए रुके हुए हैं, ठीक है ना, देख ही सकते हो मास्क अगर आपके पास नहीं होते टिकट भी नहीं देंगे, तो भाई हम लोग टिकट के लिए रुके हैं, जल्दी से मिल जाए तो फिर चलते हैं। सो गाइस आप लोग देख सकते हो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, क्योंकि भाई हमने सब लोग दर्शन दर्शन कर लिए हैं, भाई देख सकते हो बहुत सारी रोपवेज जा रही हैं, और भाई देखो पूरा शहर बसा है पूरे जंगल के बीच भी तो दिख रहा है, एंड भाई हम लोग नीचे जा रहे हैं, देखते हैं।